इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के सांसद रिपुन बोरा जी। सर, रिजिजू साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस के एमपी कुछ हैं या कांग्रेस के जो नेता हैं वो लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, जो आसाम मिजोरम का विवाद चल रहा है। ना देखिए, ये तो बीजेपी का आदत है ऐसे बोलने के लिए। जब वो लोग कुछ काम कर नहीं पाता है, कुछ में खिलाड़ होता है, पैदा सिचुएशन उन्होंने पैदा किया है, बाद में कांग्रेस को ब्लेम देना, इन लोग का ये आदत है, इनका डीएनए में है। मैं रिजू जी को मैं चैलेंज करता हूँ, उसका अगर उनका पास गवर्नमेंट है, उनका सारा गवर्नमेंट उनका पास है, तो अगर उनको मैं चैलेंज करता हूँ, अगर कांग्रेस का कोई एमपी कोई लीडर ऐसे भड़काया है, उनको क्यों ना अरेस्ट करता है अभी तक, क्यों देश का सामने उनको खड़ा नहीं करता है। ये चैलेंज तो हमारा रखो, पहले रिजू जी ने उसका सबूत लेके देश के सामने आओ। लेकिन सर, आज प्रधानमंत्री के साथ में नॉर्थ ईस्ट के सांसदों की बैठक हुई है, उसके बाद में इस तरीके का बयान दिया गया है और सीधे से कटघरे में खड़ा किया गया है कांग्रेस को। ना ये तो ये कैसे हो सकता है, सारा बीजेपी लोग गया, हम लोग को तो, हम भी तो नॉर्थ ईस्ट का एमपी है, हम लोग का नॉर्थ ईस्ट का फोरम है, हम लोग को तो खबर नहीं दिया है, हम लोग को तो कोई सूचना नहीं दिया है, पीएम के पास गया है, वो जा सकता है बीजेपी वाला, सिर्फ रिजू जी कहने से नहीं होगा, वहाँ का ग्राउंड रियलिटी वो देख लेना चाहिए, ऐसे रिजू जी बोलने से नहीं होगा। यानी साफ तौर पर रिपुन बोरा जो कि कांग्रेस के सांसद हैं, उनका ये कहना है कि सिर्फ किरण रिजिजू के बोलने से नहीं होगा, जबकि हकीकत कुछ और है, और अभी भी सवाल खड़े कर रहे हैं स्थानीय सरकार के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर, लेकिन सबके बीच में एक चुनौती भी दे रहे हैं कि अगर किरण रिजिजू जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, अगर उनके पास में कोई सबूत है तो इस मामले में कांग्रेस के अगर कोई नेता हैं उनके खिलाफ सबूत हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।